हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइव एक्सप्रेस। तो हम एक बार फिर आ गए हैं जौनपुर में, और ये आप देख सकते हैं आई लव जौनपुर लिखा हुआ है, और कितना ही खूबसूरत लग रहा है। अभी जैसे ही थोड़ा शाम होगा और इसमें लाइटिंग, इसकी लाइट जब जलेगी और ये देखने में और भी खूबसूरत लग रहा है। ये जो आई लव जौनपुर लिखा हुआ है, ये जो है कि पार्क के बगल में लिखा हुआ है। हम आ गए हैं एक पार्क में जो कि बहुत ही फेमस जौनपुर का पार्क है और बहुत ही अच्छा है, और आइए हम पार्क के अंदर लेके चलते हैं। इस पार्क का नाम है उद्यान पार्क, और चलिए चलते हैं। और बगल में देखिए इधर दुकान और हर चीज़ लगी हुई हैं, ताकि आप आइए नाश्ता पानी करिए, टहलिए, हर चीज़ करिए। चलिए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। हमारे दर्शकों के पूरा पार्क का पूरा व्यू दिखा दीजिए, और देखिए बीच में, पार्क के बीच में तिरंगा लगा हुआ है, कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लग रहा है तिरंगा। हमारे देश का तिरंगा तो सबसे खूबसूरत है ही। और चलिए हम आगे चलते हैं, एक साइड से आपको पूरा दिखाएंगे पार्क को, और वीडियो में बने रहिएगा, हम चलते हैं। थोड़ा सा पार्क बहुत ही बड़ा है, ये देखिए खूबसूरती नज़दीक से दिखा दीजिए। इसमें घास हो गई, ये पेड़ पौधे छोटे छोटे हो गए, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये पेड़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक तरफ से चलिए दिखाते चलते हैं इधर की हरियालियाँ, और चलिए चलते हैं हम इधर। देखिए सामने लिखा है ओपन जिम। इस पार्क की खूबसूरती देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन इस पार्क का एक ख़ास बात यह है कि इसमें जिम भी है। सुबह आप आइए, टहलिए, जिम करना है करिए। बच्चे के लिए भी इसमें जिम है, बड़ों के लिए भी है, सबके लिए होता है। और आगे लाइट वाइट देखिए लगा हुआ है, तब रात में जब लाइट वाइट जलती हैं तो कितना ही खूबसूरत लगता है। और ये थोड़ा दिखा दीजिए जिम के जो सामान हैं, कितना ही अच्छा लग रहा है। और थोड़ा आगे और चलते हैं, देखिए और भी इस पार्क में भीड़ हो चुकी है। जस्ट अभी खुला, हम लोग आए थे पहले ही। तो इस पार्क का जो रूल है, इसमें यह 4:30 बजे खुलता है और शाम को 7:30 बजे तक बंद हो जाता है। अगर आप पहले आएंगे तो आपको वेट करना होगा, फिर इसके बाद जैसे ही 4:30 बजे का तब आपको एंट्री मिलेगी। ये नहीं कि आप पहले आ गए और आपको एंट्री मिल जाए, ऐसा कुछ है नहीं इस पार्क में। सुबह भी 5 बजे ये खुलता है और सुबह 7 बजे फिर ये बंद हो जाता है। और चलिए चलते हैं इधर, देखिए ये कर रहे हैं अपने को फिट रखने के लिए। और भी आगे चलते हैं, इधर देखिए बच्चे जो हैं और बड़े भी इस पार्क में जिम का, देखिए बच्ची कितना अच्छे से एक्सरसाइज और इन्जॉय दोनों कर रही है इस पार्क में। हाँ, दो लोग देखिए कितना बढ़िया से कर रहे हैं, इन्जॉय भी कर रहे हैं और ख़ुद को फिट भी रखेंगे। और इधर देखिए कितने पार्क को अच्छे से कटिंग और इसका छटैया किया गया है, और इसमें मतलब देखिए कितना सफाई दिख रहा है। और इसमें डस्टबिन भी लगाया गया है कि आप डस्टबिन में कचड़े को डालिए, और वैसे भी देखिए एक भी कचड़ा दिख नहीं रहा है। और हम अब आगे की तरफ चलते हैं, इधर देखिए छोटे बच्चे जो हैं पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को दिखा दीजिए, और बच्चों के साथ साथ बड़े भी एंजॉय कर रहे हैं। और यह पार्क बहुत ही बड़ा है, और इस पार्क में अभी वहाँ तिरंगे के यहाँ देखिए काम चल रहा है। अभी हम वहाँ नज़दीक से तो नहीं दिखाएंगे, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। अच्छा, और लोग देखिए घासों पर बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इधर छोटे बच्चों को दिखाइए, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पार्क पूरा हरा भरा है और साफ़ सफाई इस पार्क में है। इस पार्क में जो नियम बनाया गया है, लोग इस पार्क में अच्छे से नियम का पालन भी करते हैं। और जिस तरह से इसमें थोड़ा सा शाम होगा, हम लोग जस्ट 4:30 बजे ही आ गए, 5:30 और भी शाम होगा तो भीड़ और भी बढ़ती जाती है, और लाइट जिस तरह से जलेंगे और भी खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए बच्चे कितना खेल रहे हैं, इधर देखिए झूला सरकने वाला है। ये यहाँ पे जो पेड़ है, ये भी और भी इस पार्क की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। चलिए और भी चलते हैं। यह पार्क जो है कि थोड़ा बड़ा है, हम जहाँ तक दिखाएंगे ये आपको पूरा दिखाएं, और शॉर्ट में मतलब थोड़ा सा छोटा करेंगे,
और ये इस पार्क में एक और भी सबसे बड़ी सबसे अच्छी खूबसूरती यह है कि ये देखिए इसमें कितने टाइप के फूल लगाए गए हैं इस पार्क में, और फूल इसकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, और जितने भी सारे फूल हैं सब गुलाब ही दिख रहे हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि हर प्रकार के गुलाब मिल रहे हैं, वो देखिए वाइट कलर का गुलाब है, रेड कलर के गुलाब हैं, और भी अलग अलग टाइप के गुलाब है, येल्लो और क्या क्या, कितना अच्छा लग रहा है। किसी भी पार्क में ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है, हर पार्क में लगभग आपको घास, छोटे छोटे पेड़ पौधे और ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये जो फूल है वो देखने को नहीं मिलेगा। और अलग अलग कलर के फूल देखने को मिले हैं जो कि इस पार्क को अलग बनाता है। और इधर देखिए जनसंख्या जिस हिसाब से शाम हो रही है, जनसंख्या और बढ़ते ही जा रही है, पर इधर से भी वहाँ पर दिखा दीजिए कितना अच्छा लग रहा है। हम अब इधर से ही निकल लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए पेड़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फ़ोटो भी खिंचवा लेता हूँ भैया, और आगे चलते हैं। इधर देखिए ये तिरंगा कितना अच्छे से लहर रहा है, एक बार हम और आपको दिखा दे रहे हैं। इसका कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसमें मार्बल्स लग रहे हैं, देखिए सीमेंट बालू और ये सब गिरे हुए हैं, काम चल रहा है इसका। चलिए चलते हैं। ये देखिए जो हमने बताया था आपको पार्क में टहलने वालों का दिशा निर्देश में, जो हमने टाइमिंग बताई थी जो कब कब है, इसका नियम जो बताया था घास और फूल पत्तों के नहीं टहलना है, क्योंकि अगर हम ही घास और फूल पत्तों तोड़ेंगे तो इस पार्क की खूबसूरती जो है कि ख़राब हो जाएगी। और ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, ये चालू होता है लेकिन ये शाम को 6 बजे से चालू होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जब रात होता है तभी ये चालू होता है, इसमें लाइटिंग भी लगी है, फुहारे भी लगे हैं, और वो फूल देखिए एक और ही अलग किस्म के फूल हैं। और हम आगे आपको अब ये देखिए फूल इसके बगल में लगाया गया है, इतना खूबसूरत लग रहा है। इस पार्क में अलग अलग टाइप के फूल लगाए गए हैं, और उधर जैसे देख लीजिए गेंदे का फूल भी इसमें लगाया गया है। अब हम आपको लेके चलते हैं उस साइड, हम जा नहीं रहे हैं, सेम उधर हरे भरे पेड़ पौधे और लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अपना अलग अलग टाइप का अपना एंजॉय कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पार्क में आया हूँ तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ। इधर देखिए साइकिल ये है, मैं भी थोड़ा सा इस पार्क में बैठ के चला लेता हूँ, ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे। हम लोगों से घर से ये तो बहुत दूर है, 35-40 किलोमीटर दूरी पे है, नहीं तो हम लोग रोज़ आते हैं, मैं भी करता अपना फिटनेस बनाता। ये देखिए मेरा पेट निकल चुका है तो इसको मैं रोज़ आके एक्सरसाइज करके कम करता, और चलाने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब थोड़ा सा इस पर भी चल के देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इस पर लग रहा है कि 3 लोग खड़े होते हैं, ओह 3 लोग नहीं, ये देखिए पेट वाला है, या इसको करने से ये पेट में थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है और इससे पेट जल्दी से कम। लोग इस पार्क में आए, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें भी दिखाएं, और हम लोग भी इंजॉय किए थोड़ा, और इस पार्क में बहुत ही अच्छा लगा है आके। और हमारी वीडियो कैसे लगी है आप लोग हमको बताइएगा, और जो भी जौनपुर में आए पॉलिटेक्निक चौराहे के बगल में उद्यान पार्क है, आप लोग भी अगर 4:30 बजे आए, अगर टाइम रहे तो आप लोग आके एक बार यहाँ पर घूम सकते हैं। और हमारे वीडियो को जो लास्ट में कहते हैं वही कहेंगे, और आप लोग जो करते हैं वही करिएगा, मतलब हम यही कहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए,
और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा भी, जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और बाकी लोग तो सब्सक्राइब किए ही हैं,